आज हम फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी जानने से पहले अपन को फ्लूइड होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है। अगर आप बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब भी, जैसे कोई वाटर की ड्रॉप पड़ी है तो जैसे आप इसको रखेंगे, एक्चुअल में आप ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे फिर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण वो डिफॉर्म होता है और कोई साइज ले लेता है। तो ये एक फ्लूड का नेचर है। फ्लूड क्या है, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेता है। और टेक्निकल टर्म जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कहलाती है उसे अपन कहते हैं फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉलिड में फ्लो प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है। फ्लूड को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है आइडल एंड सेकंड अपन रियल और प्रैक्टिकल फ्लूड भी कहते हैं। ठीक है, आइडल फ्लूड तो वो फ्लूड होता है जिसकी आइडल फ्लूड में विस्कोसिटी 0 रहती है, सरफेस टेंशन भी 0 रहती है और ये इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडल फ्लूड एक्चुअल में दुनिया में मौजूद ही नहीं है। एक तरीके से हम जानते हैं विस्कोसिटी 0 रह नहीं सकती। अगर विस्कोसिटी 0 भी रह जाती तो कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन रहेगा और इनकम्प्रेसिबल, ये तीन प्रॉपर्टी है जो फ्लूड में रहती ही रहती है। तो तीनों 0 रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइडल फ्लूड इमेजिनरी फ्लूड है एक तरीके से। और जो प्रैक्टिकल और रियल फ्लूड कहलाता है इनमें विस्कोसिटी भी रहेगी, सरफेस टेंशन भी रहेगी और उसका वो कंप्रेसिबल भी रहता है। ठीक है, अब फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में जानते हैं। फ्लूड मैकेनिक्स है क्या? ठीक है, फ्लूड रेस्ट में है या मोशन में है, जैसा भी फ्लूड है उसकी स्टडी ही फ्लूड मैकेनिक्स कहलाती है। और फ्लूड मैकेनिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ में आती है, जैसे आप डैम बना रहे हैं, पंप हो गया और कैनल होगी, जहाँ पे भी फ्लूड यूज़ में आ रहा है, इंजन वगैरह, मेडिसिन, जहाँ पर फ्लूड यूज़ में आ रहा है वहाँ पे फ्लूड मैकेनिक्स का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स लॉ है। द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, न्यूटन का सेकेंड लॉ, एंगुलर मोमेंट प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फ्लूड मैकेनिक्स में आगे जाके अपने यूज में आएंगे। और अपन लेते हैं फ्लूड इज कंटिन्यूम। ये फ्लूड इज कंटिन्यूम क्या है? अगर अपन जूम व्यू देखें फ्लूड का, किसी फ्लूड का, तो उसके बीच में या तो एयर होगी या स्पेस होगा दो फ्लूड पार्टिकल के बीच में। तो हम जब स्टडी करते हैं तो इन जो बीच में स्पेस है क्या, इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए फ्लूड को अपन हम एक तरीके से कंटिन्यू मानते हैं। विद फ्लूड एक तरीके से होमोजीनियस है, पूरा एक बीच में कुछ एयर या अदर वॉइड नहीं है, कोई रेजेंसी नहीं है टू फ्लूड के बीच में। अब ये एजम्पशन इसमें जब भी रहता है जब फ्लूड सिस्टम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, अब अपन वेलोसिटी फील्ड लेते हैं, इज वेक्टर वी, और वेक्टर वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड और टी का। एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन है एंड टी टाइम है। इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, एक्स वाई जेड में वेलोसिटी क्या रहेगी, यू वी एंड डब्ल्यू। ओके, और इसको यू वी के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के।
इस तरह से अपन देख सकते हैं वेलोसिटी इज मेजर सेम डायरेक्शन डिफरेंशियल पॉइंट डेल वी डेल टी का फंक्शन इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे वी वेक्टर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज है। ठीक, अब फ्लूइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओके, फ्लूइड प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। इसको समझने का सबसे सीधा तरीका ये है, आप एक कंटेनर लीजिए। ओके, अब इसके अंदर कोई फ्लूइड है। ठीक, अब इसका अपन क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस फ्लूइड का टेम्परेचर पहले ये मान लीजिए, जैसे इधर T1 है, प्रेशर P1 है, एंड मास और डेंसिटी ρ1 है, और इधर टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P2 है, और डेंसिटी ये है। ओके, और इसका वॉल्यूम है V1 है, और मास M1 है, और इसका इस वाले का V2 है, और मास M2 है। जब अपन ने इसको दो भागों में बांटा तो इसका टेम्परेचर में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। जो प्रेशर इधर रहेगा, कितने भी इसके डिवाइडेशन कर लो, प्रेशर हर जगह सेम रहेगा। इसकी डेंसिटी कितने भी इसको भागों में डिवाइड कर लो, इसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो ये सब जो मास पे डिपेंडेबल नहीं है, आप उसको कितना भी तोड़ लो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, वो अपनी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे इस वक्त यहाँ पे पहले इसका वॉल्यूम था वी, जब इसको अपन ने डिवाइड किया तो इसका वॉल्यूम हो गया V1 एंड V2, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या ये किस पे डिपेंडेबल है? साइज पे डिपेंडेबल है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बाकी बाकी सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को अपन रो से डिनोट करते हैं इस, और सेकेंड है अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अपन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यही अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है, जिसको आगे जाके अपन रोजी से सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी, फिर आता है स्पेसिफिक वेट, एंड देन आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके,